आज समस्त जम्मू कश्मीर वासियों और तमाम देशवासियों के लिए काफ़ी खुशी का दिन है, क्योंकि आज भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज जो कि चिनाब दरिया पर बना है और जम्मू कश्मीर में है और विशेष करके रामबन के संगलदान और रियासी को जोड़ता है और वो पुल जो कि जम्मू से कश्मीर तक ट्रेन को पहुंचाने में सबसे अहम योगदान देने वाला है, उस पर आज एक कामयाब ट्रायल रन किया। और इस कामयाब ट्रायल रन के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द और संभवतः इसी वर्ष जो है वो ट्रेन सीधा जम्मू से होती हुई कश्मीर घाटी पहुंचेगी। आपको बता दें कि जिस रेलवे ब्रिज पर जो कि चिनाब दरिया के ऊपर बना है, ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का सबसे अहम हिस्सा है और इसी पर से अब रेल सरपट दौड़ती हुई कश्मीर घाटी की ओर जाएगी। और बड़ी खुशी की बात यह है कि आज जिस वक्त ये ट्रायल रन हुआ तो ये पूरी तरह से कामयाब रहा और अब जल्द ही ये जो परियोजना है ये संपन्न हो जाएगी और संभवतः इसी वर्ष के अंत में जो रूटीन ट्रेन सर्विस है वो उस इसी पुल के ऊपर से गुजरती हुई कश्मीर घाटी में पहुंचेगी, जिसमें देश भर से आने वाले लाखों सैलानी जो हैं वो सीधे ट्रेन के मार्ग से ही कश्मीर घाटी पहुंचेंगे और वहां की खूबसूरती को निहारेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए नॉर्दर्न रेलवे के जो पीआरओ हैं उन्होंने बताया कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी डीसी देशवाल जो हैं वो दो दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं, यानी कि 27 और 28 जून को वो दो दिवसीय दौरे पर आएंगे और 46 किलोमीटर लंबे इस संगलदान रियासी जो रेलवे लिंक है इसकी इंस्पेक्शन करेंगे, यानी कि ये पूरी तरह से चेक करेंगे कि जो कामयाब ट्रायल रन हुआ है उसके बाद अब जो ट्रैक है, जो पुल है वो पूरी तरह से तैयार है ताकि इस पर जो ट्रेन सर्विस है वो सुचारू रूप से चल पाए। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है जो कि 272 किलोमीटर लंबा है, इसमें बहुत सारी चुनौतियां इसलिए थी क्योंकि यहाँ का जो जियोलॉजिकल और बाकी की जो स्थिति है, यानी कि पहाड़ हैं, खाइयां हैं और कहीं कहीं पर जो पुल थे उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। और जहाँ जिस जगह पर चिनाब पर ये पुल बना है और जो ये पहला आर्क ब्रिज बना है, कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग का एक अलग ही चमत्कार है जिस प्रकार से बिना किसी मिड स्पोर्ट के इस ब्रिज को बनाया गया। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जो 17 किलोमीटर का स्ट्रेच बचता है रियासी और कटरा के बीच, उसके पूरे होने में भी ज़्यादा समय नहीं है और इसी साल के अंत तक ये बीच का स्ट्रेच भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद कश्मीर जो है वो पूरे देश के साथ रेल लिंक से जुड़ जाएगा, यानी कि भारत के नाम एक और नई अचीवमेंट हो जाएगी और पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी जो है वो भारतवासी रेल से घूम पाएंगे। तो आज ये जो ट्रायल रन था ये कामयाब रहा और इस ट्रायल रन में जो MEMU ट्रेन होती है, यानी कि जो बिजली से दौड़ने वाला इंजन है वो चलाया गया पूरी तरह से सक्सेसफुल ट्रायल रन के बाद। अब सबको यही उम्मीद है कि जल्द इस रेलवे लिंक पर जो है वो रूटीन ट्रेन सर्विस शुरू हो और लोग जो है वो खूबसूरत रूट से होते हुए चिनाब दरिया के ऊपर बने इस आर्क ब्रिज को पार करके जो है वो कश्मीर घाटी जाए, वहाँ की खूबसूरती को निहारें। तो फिलहाल के लिए एक अच्छी खबर है और बड़ी बात यही है कि जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है CRS DC देशवाल जो है वो 27 और 28 जून को जो है वो जम्मू के दौरे पर आने वाले हैं और इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं इसी संगलदान रियासी रेल लिंक की, जिसकी की लंबाई 46 किलोमीटर है और वो इंस्पेक्शन करेंगे इस पूरे रेल लिंक की। और जाहिर सी बात है जो बाकी का बचा हुआ काम है वो भी जल्द संपन्न हो जाएगा और पूरी उम्मीद है कि इसी वर्ष के अंत तक जो है वो जम्मू से कश्मीर रेल सेवा शुरू हो जाएगी, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत जुड़ जाएगा। क्योंकि आज एक ऐतिहासिक क्षण था उस समय जिस वक्त चिनाब दरिया पर बने हुए इस दुनिया के
सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर से ट्रेन जो थी वो दौड़ी और एक कामयाब ट्रायल रन जो था वो संपन्न हुआ। और अब जल्द ही जो है ये पुल रेलवे जो है वो जनता की सेवा में समर्पित करेगी, यानी कि इस पुल पर जो रूटीन ट्रेन सर्विस है वो शुरू हो जाएगी। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।